हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं जियो के अगले फ़ोन के बारे में, जो कि है जियो फोन लाइट। इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा इस फ़ोन के सारे स्पेसिफिकेशंस, इसके मंथली प्लान, इसकी क्या प्राइस रहने वाली है और इसमें आपको क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे और ये कब तक मार्केट में लॉन्च होगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। जब जियो फ़ोन पहली बार मार्केट में आया था तो वो एक बहुत सस्ते पैकेज में बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट वहाँ पे वो दे रहा था, और वहाँ पे आप एक बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह एक टच पैड फ़ोन को यूज़ कर सक रहे थे, जिसमें 4G इनेबल्ड फ़ोन था वो, और वो एक बहुत अच्छा फ़ोन रहा और इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा हुई। और अभी वो फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, उसके जियो फ़ोन 2 भी बहुत अच्छी उसकी बिक्री हुई, और अभी यहाँ पर जियो की तरफ से जियो फ़ोन लाइट आया है। तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये इसकी जो प्राइस रखी गई है, इस फ़ोन की प्राइस लगभग रखी गई है 399 रुपीज़। आज तक इतने कम प्राइस रेंज में कोई भी 4G कनेक्टिविटी वाला फ़ोन मार्केट में नहीं आया है, तो मतलब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है इसके लिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं इस फ़ोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक फ़ोन होने वाला है क्योंकि इसमें आपको इंटरनेट सर्विस नहीं मिलेगी, आप इसमें सिर्फ कॉल कर सकते हो 4G कॉलिंग, बट आपको यहाँ पे नो इंटरनेट सर्विस, यहाँ पे आपको इंटरनेट सर्विस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 4G कॉलिंग मिलेगी, जिससे कि आप एकदम अच्छी तरह से कॉल कर सको एकदम 4G वाले मतलब नेटवर्क में। यहाँ पे जो इसका मंथली प्लान रहने वाला है वो 50 रुपीज़ से भी कम रहने वाला है, क्योंकि एक बजट फ़ोन है। और यहाँ पे जो आपको जो मंथली प्लान होगा वो 28 दिन का होगा, जिसमें से आपको अनलिमिटेड जियो टू जियो आप बात कर सकते हो, और जो अगर आप दूसरे सिम से बात करना चाहोगे तो वहाँ पर आपको कुछ मिनट दिए रहेंगे, उसके बाद आपके पैसे कट होंगे। यहाँ पर अगर इस फ़ोन की डिज़ाइन की बात करते हैं तो बिल्कुल ये जियो फ़ोन और जियो फ़ोन 2 की तरह दिखता है, क्योंकि ये उसी से इंस्पायर्ड हुआ है। और यहाँ पे आपको एक छोटा स्क्रीन मिलेगा और इसके नीचे आपको टच पैड मिलेगा। यहाँ पे आप SMS भी कर सकते हो, ये इसमें एक सुविधा है। और यहाँ पे SMS अनलिमिटेड है जियो टू जियो, और अगर आप दूसरे सिम को करते हो तो वहाँ पे भी कुछ वहाँ पे लिमिट है इसकी। यहाँ पे आपको FM मिल जाएगा, LED लाइट मिल जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छा बैटरी लाइफ यहाँ फ़ोन में देखने को मिलेगा। अब इस फ़ोन के लॉन्च डेट की बात करते हैं, ये लगभग मार्च 2020 में मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, और इसके प्राइस की अगर बात करते हैं ये लगभग 399 रुपीज़ में मार्केट में लॉन्च होगा। तो एक बहुत बजट फ़ोन है, अगर आप इंटरनेट नहीं चलाना चाहते हो तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसकी मतलब जो इसकी मंथली जो प्लान है बहुत ज़्यादा कम है और बहुत सस्ता भी है और बहुत अच्छा है। तो इस वीडियो में यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो।